हेलो एवरीवन वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो देखिए पॉलिटी से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स यहाँ पे पॉलिटी से ना पार्ट्स आर्टिकल्स शेड्यूल्स अमेंडमेंट्स ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे ट्वेंटी पार्ट्स जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है पहले इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था तब कितने पार्ट्स थे और न्यू कौन से यहाँ पे पार्ट्स को ऐड किया गया है ये सभी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ टॉप फोर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स और लास्ट के वीडियो में ना हम यहाँ पे सारे जो ट्वेंटी फाइव पार्ट्स हैं उसको एक बार रिवाइज़ करेंगे तो कंप्लीट वीडियो रहेगा पार्ट्स का कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा मैंने यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे पेड पी डी के वेबसाइट के बारे में ये है डब्ल्यू यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो पी डी हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी तो हाल ही में यहाँ पे आपके लिए 11,000 प्लस जी के का जो ई बुक है फ्रेंड से लॉन्च किया, किया गया है इसका पार्ट वन आपके लिए लॉन्च किया गया है यहाँ पर आपको जनरल स्टडीज़ के जैसे कि एंशेंट हिस्ट्री मिडाइवल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री जोग्राफी हिस्ट्री ये सभी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको इस क्वेश्चन इस ई e बुक में देखने को मिलेंगे ठीक है और साथ में पी भी इसमें इंक्लूडेड है और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको ईयरली पी डी का और साथ में जैन टू सेप्टेम्बर का लास्ट नाइन मंथ्स का करंट अफेयर्स का पी भी हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा तो आपके सारे एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स ये काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा अगर आपको इनमें से कोई भी ई e बुक यहाँ परचेज करना है आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखिए मंथली पीडीएफ भी मिल जाएगा अक्टूबर 2024 का यहाँ पे आपको आपके लिए फ्रेंड्स न्यू फॉर्मेट में इस ई e बुक को लॉन्च किया गया है जहाँ पर आपको एम फॉर्मेट में सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सभी क्वेश्चन में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और पिक्चर्स के साथ हमने इस ई e बुक को आपके लिए बनाया है तो फ्रेंड्स इस ई e बुक को भी आप हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं और इसके अलावा फ्रेंड्स इस वीडियो यानी कि पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो पीडीएफ है अगर आपको वो चाहिए तो आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से फ्रेंड्स हमारी एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप आपको ये ईजिली प्ले स्टोर में मिल जाएगी तो यहाँ पर जाके आप इस वीडियो का जो पी है ये डाउनलोड कर सकते हैं और इस टॉपिक का जो आपको टेस्ट है फ्री टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप अगर उस फ्री टेस्ट को सॉल्व करते हैं तो कम्प्लीट यहाँ पर प्रेपरेशन आपका हो जाएगा इस टॉपिक से राइट तो इस तरीके से फ्रेंड्स हर एक टॉपिक का आपको वहाँ पर फ्री टेस्ट देखने को मिल जाएगा इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आपको वीडियो कोर्सेज़ और साथ में टेस्ट सीरीज़ भी देखने को मिलेंगे जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए यहाँ पे क्यूरेट किए गए ओके चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स वीडियो को और डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी जो है फिलहाल फ्रेंड्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ट्वेंटी फाइव पार्ट्स हैं अब बात करते हैं क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी पार्ट्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन औरिजिनली तो यहाँ पे फ्रेंड्स भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे आपको बताना है यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंड्स पार्ट्स थे टोटल ट्वेंटी टू तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट right आंसर है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है देखिए डिटेल में डिस्कस करें तो ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है ट्वेंटी टू पार्ट उसमें हुआ करते थे एट प्रेजेंट यानी कि अभी फ़िलहाल यहाँ पे ट्वेंटी फाइव पार्ट्स हैं तो इनिशियली ट्वेंटी टू थे अब ये बढ़ के हो गए हैं ट्वेंटी फ़ाइव साथ में फ्रेंड्स बात करें आर्टिकल्स की तो इनिशियली थ्री नाइन्टी फाइव आर्टिकल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और अभी जो है टोटल फोर फोर्टी एट आर्टिकल्स हैं शेड्यूल्स पहले एट थे अब ये बढ़ के हो गए हैं ट्वेल्व तो आपको ये जो इंक्रीज़ हुआ है नंबर्स ना आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स टोटल 25 पार्ट्स हैं देखिए इसके बारे में द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिवाइडेड इं टू ट्वेंटी टू पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैलकुलेशन एट प्रेजेंट देयर आर टोटल ट्वेंटी फाइव पार्ट्स हैं तो अभी यहाँ पे ट्वेंटी फाइव पार्ट्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैं तो संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है तो यहाँ पे अमेंडमेंट से रिलेटेड जो पार्ट है ये है पार्ट ट्वेंटी डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट इन पार्ट ट्वेंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर तो यहाँ पे जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं इसको यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है और ये जो है ये प्रोविज़न दिया गया है आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट इन द पार्ट ट्वेंटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट रहेगा विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू म्यूनसिपैलिटीज़ तो भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है तो यहाँ पे नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिया गया है फ्रेंड्स पार्ट नाइन ए में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पे देखिए इसके बारे में पार्ट नाइन ए ये डील करता है विद द म्यूनसिपैल्टीज़ इट वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन नाइन्टी टू इट केम इन टू फोर्स ऑन फर्स्ट जून नाइनटीन नाइनटी थ्री तो इस अमेंडमेंट को फ्रेंड्स एड किया गया है बाई द सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट ठीक है जो कि 1992 में पास हुआ है और ये इनटू फोर्स आया है फर्स्ट जून 1993 को पार्ट नाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स आर्टिकल 243 पी टू 243 फोर्टी जेड जी दिस एक्ट एडेड अ न्यू ट्वेल्थ शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इस एक्ट से जो है यहाँ पर आप जो देख रहे हैं सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट इससे ट्वेल्थ शेड्यूल को ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में अगला क्वेश्चन इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मैंशन तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है तो ये पार्ट फोर में मैंशन है यहाँ पर देखिए इसके बारे में पार्ट फोर जो कि है आर्टिकल थ्री थर्टी सिक्स टू फिफ्टी वन ये डील करता है विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ आवर स्टेट पॉलिसीज दीज आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय एनी कॉर्ट बट आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो होते हैं ये नॉट एनफोर्सिएबल यानी कि ये कोई फंडामेंटल राइट right नहीं है बट हमारे गवर्नेंस हमारे कंट्री के गवर्नेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बिन टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम के डी पी एस पी यानी कि डायरेक्टिविविवि प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को किस कॉन्स्टिट्यूशन यानी किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है तो इसको लिया गया है फ्रॉम द कॉन्टीट्यूशन ऑफ आयरलैंड अगला क्वेश्चन इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट्स मैंशन तो फंडामेंटल राइट्स मैंशन है पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर देखिए पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आर्टिकल ट्वेल्व से लेकर थर्टी फाइव तक है ठीक है तो अभी आपने देखा डी पी एस पी जे ये ये थर्टी फाइव यानी थर्टी सिक्स से लेकर फिफ्टी वन तक थे ठीक है जिसके कंटिन्यूएशन में होते हैं आर्टिकल ट्वेल्व से लेकर थर्टी फाइव होता है फंडामेंटल राइट्स और उसके ठीक बाद थर्टी सिक्स टू फिफ्टी वन जो होता है ये डी पी एस पीज होते है, तो, हैं ओके सिक्स फंडामेंटल राइट्स हैव बिन प्रोवाइडेड टू एवरी सिटीजन तो टोटल सिक्स राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं इनिशियली ये भी सेवन हुआ करते थे ऑरिजिनली आर टोटल ऑफ सेवन राइट्स वर प्रोवाइडेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन बट द फोटी फोर्थ अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी एट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी एंड मेडिएटेड अ लीगल राइट तो यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट right हुआ करता था जिसे अभी हटा के लीगल राइट right बना दिया गया है और इसे प्लेस किया गया है आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए में तो so, ये वाला आर्टिकल भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे किस यहाँ पर अमेंडमेंट से रिमूव किया गया है फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी एट से इसे रिमूव किया गया है नेक्स्ट पॉइंट फंडामेंटल राइट सिक्योर द नेचुरल राइट्स ऑफ द ऑल सिटीजन एंड वर टेकन फ्राम यू एस कॉन्स्टिट्यूशन और इसको किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है इसको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है तो ये जो सिक्स फंडामेंटल राइट्स हैं कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं ये देख लेते हैं राइट टू इक्वालिटी फिर आता है राइट टू फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और साथ में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी तो ये सिक्स फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है यहाँ पे हम लिख लेते हैं देख लीजिए राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल भी डिस्कस कर लें तो आर्टिकल फोर्टीन से एटीन में इसका मैंशन है राइट टू फ्रीडम ये मैंशन है आर्टिकल नाइनटीन से लेकर ट्वेंटी टू तक राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन ठीक है राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन ये मैंशन है आर्टिकल ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी फोर में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रीडम ऑफ रिलीजन ओके फ्रेंड्स इसका मेंशन दिया गया है 25 से लेके आर्टिकल 28 तक आगे बढ़े तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये मेंशन है आर्टिकल 29 से 30 तक में और साथ में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ये सिक्स राइट right है और ये आर्टिकल थर्टी टू ले से लेके थर्टी फाइव तक में मेंशन है तो फ्रेंड्स ये सिक्स राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है राइट टू प्रॉपर्टी भी पहले एक फंडामेंटल राइट right थी बट इसे अभी हटा के एक लीगल राइट right बना दिया गया है अंडर आर्टिकल थ्र थ्री ए राइट आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो है हम आपके लिए लाते रहेंगे देखिए यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट्स तो इसके साथ आपको आर्टिकल्स की जो वीडियो है वो भी देखनी है अमेंडमेंट्स तो ये सभी जो है हमने ऑलरेडी चैनल में अपलोड किया है अगर आपने ये देखा नहीं है तो ज़रूर देख लें क्योंकि ये चारों जो पोर्शन होते, है होते हैं ना एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं राइट तो फ्रेंड्स आपको वीडियो को यहाँ पे ये चारों वीडियोस को देख लेने हैं चैनल को इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होता है फ्रेंड्स वीडियोस का आप